ऐसा अभिनेता जिन्हें हिंदी सिनेमा के महान फिल्म निर्माता कहा जाता था, एक ऐसा अभिनेता जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई सारे हिट फिल्म दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर फिल्म निर्माता या यूं कह लीजिए मशहूर अभिनेता गुरुदत्त साहब का। आज इस वीडियो में जानेंगे बायोग्राफी ऑफ गुरुदत्त। गुरुदत्त साहब कैसे फिल्म में आए और कैसे गुरुदत्त साहब 39 वर्ष की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए, आज इस वीडियो में संपूर्ण कहानी जानेंगे। तो फिर देर क्या, चलिए बिना कास्टिंग का ही फिल्म शुरू करते हैं। गुरुदत्त साहब का जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु में हुआ था। उनका वास्तविक नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था और उनके पिता का नाम सिंह शिव शंकर राव पादुकोण था और उनके माता का नाम वसंती पादुकोण था। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पिताजी एक विद्यालय के हेड मास्टर थे और बाद में बैंक में पोस्टेड हो गए। उनकी माता एक अध्यापिका थी जिन्हें हम मास्टरनी जी कहते हैं। इसके साथ ही वसंती बंगाली उपन्यासों के कन्नड़ में अनुवाद करती थी और लघु कथाएं भी लिखती थी। बताया जाता है गुरुदत्त साहब का बचपन कोलकाता के भवानीपुर में ही बीता, जहाँ की संस्कृति से वह बहुत ही प्रभावित हुए। बंगाली संस्कृति से प्रभावित होकर उन्होंने अपना नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण से परिवर्तन यानी हटाकर गुरुदत्त रख लिए। जब गुरुदत्त छोटे थे तो उनकी दादी माँ रोज़ शाम को दिया जलाकर संध्या आरती किया करती थी और उस आरती की रोशनी में गुरुदत्त साहब अपनी उंगुलिया से दीवार पर मुद्राएँ बनाए करते थे और समय के साथ उनका कला की तरफ आकर्षण बढ़ने लगा। 1941 में जब गुरुदत्त साहब 16 वर्ष के थे तो वो ₹75 वार्षिक छात्रवृत्ति पर आलमोड़ा गए। वहाँ नृत्य संगीत और नाटक की शिक्षा प्राप्त करने लगे। ₹75 के महीना पर उस जमाने में ₹75 का बहुत वैल्यू था उस जमाने में। परंतु 1944 में दूसरा विश्व युद्ध होने के कारण वह वापस लौट आए और यहाँ आकर रविशंकर से अग्रज उदय शंकर से कला और संगीत की गुरु सीखने लगे। खैर, गुरुदत्त साहब की फिल्मी सफर की बात करें तो हिंदी सिनेमा में कदम रखने से पहले गुरुदत्त साहब कुछ समय कलकत्ता में लीवर ब्रदर फैक्ट्री में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी करते थे, परंतु वो जल्द ही इस्तीफा देकर वापस अपने परिवार के पास चले गए। उसके बाद गुरुदत्त साहब के चाचा ने उन्हें पुणे की प्रभात फिल्म कंपनी में 30 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के लिए भेज दिया। पुणे में वो फिल्म निर्माता बी शांताराम के राज कमला कला मंदिर नाम के स्टूडियो में रहा करते थे और यही रहते हुए उनकी मित्रता प्रसिद्ध अभिनेता महान अभिनेता रहमान और देव आनंद से हुए थे। वही देव आनंद साहब जिन्हें देखकर लड़कियां छत से कूद जाती थी। वर्ष 1944 में उन्हें चांद नाम फिल्म में उन्हें श्री कृष्ण का एक छोटा सा रोल अभिनय करने का मौका मिला। 1945 में उन्होंने एक फिल्म में अभिनय करने के साथ साथ विश्राम बड़कर के सहायक निर्देशक का काम भी किया और 1946 में इन्होंने पीएल संतोषी की फिल्म हम एक है इस फिल्म में उन्होंने निर्देशन का काम किया था। जब 1947 में उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तब वह प्रभात फिल्म कंपनी के सीईओ बाबू राव के साथ एक सहायक के रूप में दोबारा काम करने लगे और इसी नौकरी के बाद वो लगभग 10 महीने तक अपने घर माया नगरी मुंबई में अपने परिवार के साथ रहे और इस दौरान उन्होंने अंग्रेजी लिखना सीखा और इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया नाम की एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका के लिए लघु कथा लिखने लगी। इस दौरान उन्होंने संघर्ष की पटकथा लिखी जिसका नाम बाद में बदलकर प्यासा कर। यही नहीं, इन्होंने कोरियोग्राफर और निर्देशक भी किया। जैसे निर्देशक का मतलब होता है, हम सब जानते हैं फिल्म शूटिंग के दौरान ऐसे से नहीं ऐसे 1 2 3 कट है ना, और कोरियोग्राफर यानी डांस का भी कला, जो ऐसे से ऐसे डांस करो ऐसे से ऐसे करो, सब
गुरुदत्त साहब करते थे। गुरुदत्त साहब ने प्रभात फिल्म कंपनी में एक कोरियोग्राफर और सह निर्देशक के साथ साथ एक अभिनेता के रूप में भी काम करना शुरू कर दिए। 1947 में गुरुदत्त साहब माया नगरी मुंबई आए और वहाँ उन्होंने अमिय चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी नाम के दो निर्देशकों के साथ काम करना शुरू किए। अमिय चक्रवर्ती की फिल्म गर्ल्स स्कूल और ज्ञान मुखर्जी की फिल्म संग्राम में उन्होंने काम किया। इसके साथ ही देव आनंद साहब ने इन्हें अपने फिल्म कंपनी नवकेतन में एक निर्देशक के रूप में काम करने का मौका दिया था। और इसी प्रकार गुरुदत्त साहब ने निर्देशन में बनी फिल्म बाजी 1951 में पर्दे पर आई। और इसके साथ ही गुरुदत्त साहब ने बहुत सी फिल्मों में बतौर अभिनेता काम भी किया। वहीं गुरुदत्त साहब की फिल्मों के नाम बतौर अभिनेता की बात करें तो 1964 में सुहागन, भरोसा 1963 में, साहिबा बीबी और गुलाम 1962 में, चौधवी का चांद 1960 में, ऐसे कई सारे फिल्में थे। इस फिल्में में चौधवी का चांद, इस सब फिल्म में इनकी गर्लफ्रेंड जिन्हें दादा साहेब फाल्के का अवार्ड से साल मिलेगा, वहीदा रहमान उस जमाने की मशहूर अभिनेत्री लीड रोल में नजर आई थी। वहीं गुरुदत्त साहब के विवाह की बात करें तो 26 मई 1953 को प्रसिद्ध संगीतकार गीता राय चौधरी से शादी किए थे। इन दोनों की पहली मुलाकात बाजी फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ था और कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। गीता और गुरुदत्त साहब के 3 संतानें हुए जिनका नाम अरुण, तरुण और नीना दत्त है। शुरू के कुछ वर्ष तक इन दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशहाल रहा, लेकिन 1950 के आसपास जब गुरुदत्त साहब के अभिनेत्री वहीदा रहमान के साथ संबंध होने की बात फैलने लगी तो इन दोनों के वैवाहिक जीवन पर इसका बुरा असर दिखाई देने लगा। और इसके कुछ समय बाद गीता अपने बच्चों को लेकर, अपने माता पिता के लेकर घर चली गई। यह दोनों 11 वर्षों तक एक दूसरे के साथ रहे। गुरुदत्त साहब ने बहुत कोशिश की कि गीता को अपनी ज़िंदगी वापस लाने की, परंतु गीता को गुरुदत्त साहब के साथ कार्य करने वाली हर अभिनेत्री पर संदेह होने लगा था और इस प्रकार इन दोनों के वैवाहिक जीवन में दरार पड़ गया। खैर, वहीं गुरुदत्त साहब की मृत्यु की बात करें तो अपने परिवार से दूर होने के कारण धीरे धीरे गुरुदत्त साहब को नशे की लत लगने लगी। उस समय वहीदा रहमान से उनके रिश्ते कुछ खास नहीं रहे थे। शराब पीने के कारण गुरुदत्त साहब की तबीयत खराब रहने लगी थी, जिसके कारण एक बार वह 3 दिन तक कोमा में भी रहे थे। एक रात गुरुदत्त साहब की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्होंने गीता को फोन करके बच्चों से मिलने के लिए आग्रह किया, परंतु गीता ने मना कर दिया। और उसी रात गुरुदत्त साहब बिना खाना खाए नशे की हालत में अपने घर में अकेले थे और दूसरी सुबह नशा और नींद की गोली लेने के कारण उनके कमरे में मृत पाया गया। गुरुदत्त साहब की मृत्यु की खबर पाकर वहीदा रहमान अपनी शूटिंग छोड़कर तुरंत वापस आ गई और गीता भी बच्चों के साथ उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आई। खैर, जब वो गुरुदत्त साहब रहे ही नहीं तो आकर ही क्या फायदा। बताया जाता है उनकी पत्नी, गुरुदत्त साहब की पत्नी के वजह से ही गुरुदत्त साहब डिप्रेशन में आ गए थे। खैर, बीतो बातें जो बीत गया उसे छोड़िए। वहीं गुरुदत्त साहब की फिल्म पुरस्कार की बात करें तो गुरुदत्त साहब की फिल्म प्यासा को टाइम मैगजीन के द्वारा विश्व की 100 सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में स्थान दिया गया। वहीं वर्ष 2002 में साइट और साउंड क्रिटिक्स ऑफ डायरेक्टर्स के पोल में गुरुदत्त साहब की फिल्मों कागज़ के फूल और प्यासा के सर्वकालिक 160 महानतम फिल्मों की श्रेणी में रखा गया है। खैर, आपको गुरुदत्त साहब के बारे में ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए। और इसी तरह कोई भी अभिनेता और अभिनेत्री के बारे में बायोग्राफी जीवनी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।